रणवीर कपूर की आने वाली फिल्म का नाम एनिमल है, लेकिन फिलहाल जो उनके साथ घटना हो रही है उसके बाद उनको अपने किरदार वाली फीलिंग यानी क्रिमिनल वाली फीलिंग आ रही होगी। हाँ, क्रिमिनल वाली फीलिंग इसलिए आ रही होगी कि एक सट्टा लगाने वाली कंपनी के चक्कर में रणवीर कपूर की मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। मतलब आलम यह है कि ईडी ने उन्हें समन भेजा और कहा बाबू 6 तारीख को आओ, मिल बैठेंगे और बात करेंगे, तुमसे चाय वाय पिलाएंगे, कड़क चाय बनवाएंगे और तुमसे सवाल जवाब करेंगे कि हवाला के जरिए पैसा लियो क्या। अकेले रणवीर नहीं है, सनी लियोनी से लेकर टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, बहुत लोग, 17 लोग कुल मिलाकर हैं। वैसे बॉलीवुड का रिश्ता पुराना रहा है दुबई जाकर नाचने गाने का, लेकिन इस बार मामला सेंसिटिव है क्योंकि ईडी के रडार पर है और आरोप आपको याद होगा एक महादेव करके बेटिंग कंपनी है जिसके घर में किसी की शादी हुई थी, 200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 40-50 करोड़ तो खाली होटल में रहने का भाड़ा हो गया। अब इसी मामले को लेकर रणवीर कपूर का नाम निकलकर सामने आया, 6 तारीख को इनका समन है, हो सकता है इसका मुनाफा उन्हें फिल्म में हो जाए, हो सकता है, मतलब इंडिया में तो नियम है, नेता जेल जाएगा तो चुनाव जीत जाएगा, अभिनेता कंट्रोवर्सी में फंसेगा तो पिक्चर हिट हो जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुसीबत झेल सकते हैं क्योंकि 6 तारीख को ईडी ने कहा है कि आपको आना पड़ेगा और हवाला का मामला है तो मामला सेंसिटिव हो जाता है, आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और ईडी वाले सवाल बहुत पूछते हैं कि सवाल सुना है हमने 36 बार पूछते हैं आप यहां से थोड़ा सा। अब महादेव के नाम से जो ये बेटिंग कंपनी है, देखो साला नाम भी लिया तो भगवान के नाम का लिया, महादेव जी के नाम का, लेकिन ठीक है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप है जिसमें 5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है, इसमें रणवीर कपूर का नाम सामने आया है और इस केस के मुख्य आरोपी जो है सौरभ चंद्राकर, उनकी शादी में वो शामिल हुए थे। आरोप है कि इन लोग को बुलाया गया कि आइए आप लोग नाचिए गाइए, थोड़ा डांस वांस कीजिए, महफिल जमाइए और इसके बदले आपको ढेर सारे पैसे दिए जाएंगे। रणवीर पर इस ऐप के प्रमोशन के भी आरोप लगे। ईडी का दावा है कि रणवीर कपूर को बड़ी रकम मिली और ये सारी रकम जो है ये हवाला के जरिए मिली। ईडी ऑनलाइन गेम के विज्ञापन के जरिए फंडिंग की जांच करने वाली है और अब रणवीर कपूर का जब नाम सामने आया तो देखना है कि वकील साहब को भेजते हैं या खुद ही जाते हैं। वैसे मुश्किलें तो बढ़ेंगी, आप मुश्किल मान लीजिए बढ़ेंगी क्योंकि इस मामले में कई और भी सेलिब्रिटीज थे, नुसरत भरूचा का नाम आया था, टाइगर श्रॉफ का नाम आया था, सुखविंदर पाजी का नाम आया था, नेहा कक्कड़, सनी लियोनी, 17 सेलिब्रिटीज थे जिनका नाम था और अब इसमें रणवीर कपूर का भी नाम सामने। अब रणवीर कपूर थोड़ा ज्यादा बड़े चेहरों में, मतलब फिल्म भी आने वाली है, आलिया भट्ट के हस्बैंड हैं, बड़ी फेमस फैमिली से आते हैं कपूर खानदान से, सो काफी मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, डेंट जो है वो आने वाला है। हालांकि अभी तक रणवीर की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि वो 200 करोड़ की शादी वाला क्या मामला था, क्योंकि सट्टा, मतलब सट्टा सोचिए कितना पैसा यार, आप भले करोड़पति नहीं बनते वो अरबपति बन जाते हैं। हाँ, अब आपको जानकारी के बता दें कि जो ये शादी थी इसमें शादी में किसे किसे बुलाया गया था। इंडिया से बुलाया गया था टाइगर श्रॉफ साहब को, टाइगर वहां नाच रहा था, सनी लियोनी को बुलाया गया था बेबी डॉल करने, नुसरत भरूचा जी जो है उन्हें बुलाया गया था, नेहा कक्कड़ को भी बुलाया गया था, हाँ टोनी भाई नहीं गए थे, नेहा अकेले गई थी, आतिफ असलम पाकिस्तान से गए थे, राहत फतेह अली खान जो है वो पाकिस्तान से गए थे, अली असगर जो है वो गए थे, विशाल डडलानी साहब जो है उनको भी बुलाया गया था गाने के लिए, अली अब्राम को बुलाया गया था, भारती सिंह को बुलाया गया था, कॉमेडियन भी खूब सारे बुलाए गए थे, भारती सिंह बुलाई गई थी, कृष्णा अभिषेक जो है उनको बुलाया गया था, सुखविंदर सिंह बुलाए गए थे, कृति खरबंदा जो है उनको बुलाया गया था, तो अच्छी खासी भीड़ जो है इस आदमी ने अपनी शादी में बुला ली थी। और वही है ना, जो एक मीम आता है कि भाई पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, तो इतने बड़े बड़े नाम है इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, आतिफ असलम से लेकर राहत फतेह अली खान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर कपूर, ये सब पहुंच गए, क्यों, सट्टा बनाने वाले का बहुत पैसा था। 200 करोड़ रुपए की ये शादी हुई थी और ये तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं उसकी शादी में नाचते गाते नजर आए थे और उसके फंक्शंस का हिस्सा बने थे, तो काफी ज्यादा पैसा जो है वो खर्च किया गया, लेकिन पैसा खर्च करना गलत नहीं है, खबर ये है कि हवाला के जरिए जो पैसा है वो पहुंचाया गया था और इन तमाम लोगों के रहने का इधर उधर का पैसा जो था वो सारा 2 नंबर का पैसा था, ओरिजिनल पैसा नहीं था, गलत तरीके से पहुंचाया गया था। इस वजह से ईडी के रडार पर ये लोग हैं कि ये जायज चीज नहीं है आप लोगों ने, और इसमें कैश के इन्वॉल्वमेंट का बहुत जिक्र किया जा रहा है कि कैश में लेन देन जो है वो दबा के हुआ है यहां पर। अब आपको जानकारी के बता दें कि जो ये शादी थी इसमें शादी में किसे किसे बुलाया गया था। इंडिया से बुलाया गया था टाइगर श्रॉफ साहब को, टाइगर वहां नाच रहा था, सनी लियोनी को बुलाया गया था बेबी डॉल करने, नुसरत भरूचा जी जो है उन्हें बुलाया गया था, नेहा कक्कड़ को भी बुलाया गया था, हाँ
टोनी भाई नहीं गए थे, नेहा अकेले गई थी। आतिफ असलम पाकिस्तान से गए थे, राहत फतेह अली खान जो हैं वो पाकिस्तान से गए थे, अली असगर जो हैं वो गए थे, विशाल डडलानी साहब जो हैं उनको भी बुलाया गया था गाने के लिए, अली अब्राम को बुलाया गया था, भारती सिंह को बुलाया गया था, कॉमेडियन भी खूब सारे बुलाए गए थे, भारती सिंह बुलाई गई थी, कृष्णा अभिषेक जो है उनको बुलाया गया था, सुखविंदर सिंह बुलाए गए थे, कृति खरबंदा जो है उनको बुलाया गया था। तो अच्छी खासी भीड़ जो है इस आदमी ने अपनी शादी में बुला ली थी। और वही है ना जो एक मीम आता है कि भाई पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। तो इतने बड़े बड़े नाम इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, आतिफ असलम से लेकर राहत फतेह अली खान, टाइगर श्रॉफ, रणवीर कपूर, ये सब पहुंच गए। क्यों? सट्टा बनाने वाले का बहुत पैसा था। 200 करोड़ रुपए की ये शादी हुई थी और ये तमाम सेलिब्रिटीज जो हैं उसकी शादी में नाचते गाते नजर आए थे और उसके फंक्शंस का हिस्सा बने थे। तो काफी ज्यादा पैसा जो है वो खर्च किया गया, लेकिन पैसा खर्च करना गलत नहीं है, खबर ये है कि हवाला के जरिए जो पैसा है वो पहुंचाया गया था। और इन तमाम लोगों के रहने का इधर उधर का पैसा जो था वो सारा दो नंबर का पैसा था, ओरिजिनल पैसा नहीं था, गलत तरीके से पहुंचाया गया था। इस वजह से ईडी के रडार पर ये लोग हैं कि ये जायज चीज नहीं है। आप लोगों ने, और इसमें कैश के इन्वॉल्वमेंट का बहुत जिक्र किया जा रहा है कि कैश में लेन देन जो है वो दबा के हुआ है यहां पर।